हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ वाइट मटन स्टू। तो ये मेरे पास है आधा किलो मटन और आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा प्याज ले ली है, और ये कुछ गरम मसाले हैं, 15 से 20 काली मिर्चें हैं, एक बड़ी इलायची है, 4-5 सफ़ेद इलायची हैं, 6-7 लौंग हैं, एक जावित्री का टुकड़ा है, एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का है, ये दालचीनी का एक टुकड़ा है, एक टीस्पून मैंने जीरा लिया है, और ये बेल लीव्स हैं 2 से 3। तो आइए चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुकर में ऑयल डालेंगे इस चम्मच से। लगभग 1 कप मैंने ऑयल डाला है इस चम्मच से। मैंने 2.5 चम्मच ऑयल डाला है, हम स्टू बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है में थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगेगा। तो पहले हमारा तेल, हम तेल गरम कर लेते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स, तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, ये देखिए। और अब हम सबसे पहले इसमें सारे अपने गरम मसाले डाल देंगे, और बस 1 सेकेंड के लिए इसे चलाएंगे। मसाले हमारे चटक गए हैं, अब हम इसमें अपनी प्याज डालेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम सामान में बहुत जल्दी बनके तैयार होता है, और बस हमें प्याज को थोड़ा सा मुलायम करना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे, उसके बाद हम अपना मीट डालेंगे इसमें। हमें फ्लेम फुल रखनी है, प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। प्याज को हमारे पकते हुए 2 मिनट हो गई, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है। अब हम इसमें अपना मीट डालेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने तो 1/2 kg के साथ 1.25 किलो प्याज ली है। आप 1/2 kg के साथ 1/2 kg भी रख सकते हैं, और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। आपको जैसी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से थोड़ी सी प्याज घटा बढ़ा सकते हैं। अब हम गोश्त के साथ प्याज को 2 मिनट भूनेंगे। फ्रेंड्स, वाइट स्टू बनाते हुए बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो। अगर लाल हो जाएगा तो फिर स्टू भी लाल दिखेगा। अब ये 2 मिनट हो गए, अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। 2 टीस्पून के करीब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब हम नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। हम इसमें अभी पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि प्याज अपना पानी खुद ही छोड़ेगी। अब मैं इसमें 2 विसल लगा के फिर आके आपको दिखाऊंगी। अब मैं इसमें 2 विसल लगा लूंगी, 2 विसल लगा के हम बंद कर देंगे। चेक कर लेते हैं, 2 विसल आ चुकी है हमारे कुकर में। ये देखिए प्याज ने कितना पानी छोड़ा है। जब तक इसका पानी नहीं सूख जाता हम इसको भूनेंगे, फिर बाकी का स्टेप करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा गोश्त पानी सूख गया है, गोश्त भुन गया, इस पर तेल उतर गया है, ये पहचान होती है भुनने की। अब मैं इसमें 1 कटोरी भर के दही डालूंगी। मैंने अभी फ्लेम बंद कर दी है ताकि कहीं दही फट ना जाए। अब इसे, अब जब तक दही का पानी नहीं सूख जाता तब तक हम इसे भूनेंगे। फ्लेम हमें फुल ही रखनी है।
टेबलस्पून मैं इसमें दखनी मिर्च डाल रही हूँ, यानी वाइट पेपर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालिए वरना आप स्किप भी कर सकती हैं। अब हम पानी सूखने तक फिर से भूनेंगे। ये देखिए दही डालने के बाद भी ये भून गया है, सरफेस पे ऑयल आ गया है, ये देखिए। अब मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ, ये घर की क्रीम मलाई है जो दूध पे होती है, आप अमूल क्रीम भी डाल सकते हैं। अब मलाई डालने के बाद हम इसे और 5-7 मिनट और भूनेंगे। मलाई डालने के बाद हमने इसे 5-7 मिनट और भून लिया है, इसमें तेल उतरिया है देखिए। अब मैंने अभी तक आपने देखा मैंने इसमें कोई मिर्च नहीं डाली है, अगर हम लाल मिर्च शुरू में डाल देंगे तो मिर्च कलर छोड़ देगी और वाइट से लाल स्टू बन जाएगा। तो मैंने 4-5 लाल मिर्चें ली हैं, हरी मिर्च ली है, अब हम इसमें डाल देंगे। और अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त पूरी तरह गल गया है या नहीं गला है, अगर इसमें कसर बाकी है तो हम जो है फिर एक सीटी लगा लेंगे। वैसे तो ये इतना भून चुका है, गल ही गया होगा फिर भी, लेकिन हम चेक कर लेंगे, अगर चेक नहीं गला होगा, नहीं टेंडर हुआ होगा तो फिर हम एक सीटी लगा लेंगे। फ्रेंड्स हमारा गोश्त तो अभी नहीं गला है, हमें इसमें अभी एक सीटी लगानी पड़ेगी। आप भी अपना गोश्त चेक करके फिर उस हिसाब से एक या दो सीटी जितनी आपको ज़रूरत हो लगा लीजिएगा, और सीटी हम फुल फ्लेम पे लगाएंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, ये वो इसी कटोरी से मैंने ले लिया जिसमें मलाई ली थी, बस इतना। और हम इसमें 1-2 सीटी लगा लेंगे। फ्रेंड्स ढक्कन लगाने से पहले हम इसमें थोड़े से काजू और किशमिश डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना पसंद करें तो डालिए वरना आप स्किप कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप काजू किशमिश ही डालें, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकती हैं, बादाम भी डाल सकती हैं। अब मैं इसमें 1-2 मिसल लगा लूँगी, मिसल आप फुल फ्लेम पे लगाएंगे। देखिए हमारा स्टू बन के तैयार है और मीट भी हमारा टेंडर हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ थोड़ी सी लिक्विड, बस 2 मिनट और से भून के फिर मैं बंद कर दूंगी फ्लेम। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही हैं, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को कम से कम 2-3 मिनट ज़रूर देखा करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर कोई कमी है ताकि मैं उसे सुधार सकूं। देखिए टेंडर होने के बाद गोश्त को मैंने 2 मिनट और भून लिया, अब हमारा स्टू बिल्कुल तैयार है। कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है, बस अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी। ये देखिए हमारा स्टू बन के बेहतरीन तैयार है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी जरा भी पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।